सीएम शिवराज की चेतावनी के बाद भी भिंड जिले में अवैध रेत का खनन जारी है। भिंड में रेत खदानों का ठेका लेने वाली पावर मेक कंपनी के संरक्षण में सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। सभी नियमों को ताक पर रखकर सिंध नदी से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। पनडुब्बी और जेसीबी की मदद से नदी के धार में से रेत को निकालने का काम हो रहा है। सब कुछ खुलेआम होने के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस आंखें मूंद कर बैठा है। रेत के अवैध उत्खनन का वीडियो सामने आने के बाद भी पावर मेक कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल भिंड जिले में रेत माफियाओं का कई सालों से आतंक रहा है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, रेत माफियाओं का आतंक भिंड जिले की सिंध नदी पर बरकरार रहा है। अवैध उत्खनन के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन रेत माफिया पर कभी अंकुश नहीं लग सका। सरकार ने पावर मैक कंपनी को भिंड जिले की रेत खदानों का ठेका देकर यह सोचा था कि अब रेत माफिया पर लगाम लग जाएगी, लेकिन कंपनी के संरक्षण में ही रेत का अवैध खनन हो रहा है। इसकी बानगी गोरम गांव के पास सिंध नदी के रेत खदान पर देखने को मिला है, जहां पनडुब्बी और जेसीबी की मदद से नदी के धार में से रेत निकालने का काम किया जा रहा है।